हेलो गाइस, आज हम खोलने वाले हैं इसका इंजन 600 सीसी टाटा जीप आइरिस। कुछ इस तरीके से ये गाड़ी के पीछे की साइड में ये माउंट हुआ होता है। इसको हम रिमूव कर चुके हैं, लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्त, देखने में कुछ ये ऐसे दिखता है। सिंगल सिलेंडर है, सिंगल सिलेंडर मतलब एक ही पिस्टन चलता है इसमें। शुरू करते हैं इसको खोलना। आप खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। तो अल्टरनेटर को हटाएंगे, उसकी बेल्ट को लूज करके निकाल के इसको हटाते हैं। अल्टरनेटर खोलने के बाद सेल्फ खोलते हैं इसका। पानी की बाईपास लाइन है, इसको क्लिप हटा के इसको निकालते हैं। ये क्या? इसके अंदर अभी भी पानी भरा हुआ है, कूलेंट है भाई। जिस बहुत पुरानी गाड़ी थी। ये ऑयल पाइप मेन हेड में ऑयल की सप्लाई देने के लिए, इसको भी हटाते हैं। ये ऑयल फिल्टर असेंबली से होकर यहाँ हेड में सप्लाई देती है ऑयल की। और ये रिटर्न है वापस ब्लॉक में ऑयल की लाइन। ये इंजेक्टर की मेन पाइप हटाएंगे। ये नीचे हाई प्रेशर पंप पे लगी हुई होती है, इसको भी हटाते हैं यहाँ से। और ये इसी पंप के ऊपर नोजल से रिटर्न वापस डीजल यहीं पे आता है। रिटर्न पाइप को भी हटा के रखते हैं इसको साइड में। ये इसका फिट पंप है, इसको भी हटाएंगे। और ये इंजन माउंटिंग स्टैंड, इसको भी हटा देते हैं। इंजन स्पीड टिका रहता है गाड़ी में, रखो इसको साइड में। टेपिड कवर खोलते हैं इसका। ये टेपिड कवर है, इसके अंदर दो रोकर आर्म है खाली, एक इनलेट एक एग्जॉस्ट। ये रहे इनके दोनों वाल्व, जो एग्जॉस्ट की तरफ है वो एग्जॉस्ट है और जो इनलेट की तरफ है वो इनलेट है। अब हटाते हैं इसका हेड। हेड के चार बोल्ट है, 18 नंबर। इसको खोल के उठाते हैं हेड को। उठ गया इसका हेड। और ये इसका पिस्टन है सिंगल, और ये रोकर आर्म है। तो एक इनलेट एक एग्जॉस्ट। ये इसका गैस्केट है। इसमें हेड के चारों बोल्ट खोलने के बाद इसका ब्लॉक भी फ्री हो जाता है। अपने पानी के इंजन की तरह सेम प्रोसेस है इसका भी। ये इसकी क्लच प्लेट है, इसको भी हटा देते हैं फटाफट। इसके बाद इस पिस्टन को हम कनेक्टिंग से अलग कर देते हैं, क्योंकि ये बार बार टच हो रहा है इसको। पिस्टन भी ख़त्म है इसका। फ्लाईव्हील हटा देते हैं इसका, जहाँ पे क्लच प्लेट लगी होती है वो वाला। अब ये जो प्लेट है दोस्त, इसके अंदर है सारी टाइमिंग, गियर्स, ऑयल पंप और कैमशाफ्ट वगैरह सब इसके अंदर ही है। वीडियो में ना यार ये मच्छा याद रहे। ये जो ऊपर की तरफ लगी हुई है, ये कैम्स आपटे, ये दोनों रोकर को चलाती है।
और उसके जो साइड में दिख रही है वो मेन इंजेक्शन पंप को चलाता है, ये जो टच कर रहे हैं ये इसका टाइमिंग पॉइंट है। ये दोनों निशान इस तरह से मिले होने चाहिए और ये एक ये निशान है जो टॉप के स्टड की तरफ रहना चाहिए। तो निकालते हैं इनको और ये इसका ऑयल पंप है, सीधा क्रैंक शाफ्ट से चलता है, ये पूरे इंजन में ऑयल की सप्लाई यही करता है। ऐसे थोड़ा वीडियो पॉज करते हैं वरना बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने तो कोई क्यों ना कोई ना दोस्तों इसका ध्यान रखना, ये उल्टा खुलता है बेंचो। ये माउंटिंग प्लेट है, इसके ऊपर सेलअप और अल्टरनेटर दोनों इसी के ऊपर लगे होते हैं। ये इसके ऊपर इंजन की कुछ जानकारी है, देख लीजिए आप। ये इसका चैम्बर हटाते हैं एक बार, तो चैम्बर हटाने के बाद इसकी कनेक्टिंग खोलते हैं, फिर क्रैंक शाफ्ट बाहर आएगी। हट चुका है ये कनेक्टिंग इसकी खोलनी पड़ेगी। ये इसके बेरिंग चले गए हैं और ये क्रैंक शाफ्ट भी पूरी ख़त्म है। और इसी के साथ दोस्तों फॉलो करो, अगले वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट असेंबल करेंगे और स्टार्ट करके गाड़ी को रोड पे चला के दिखाएंगे आपको। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना।